नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। इस बार का बिहार चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुकाबला काफी टक्कर में है और ये कहना कि इस बार का चुनाव एक तरफा होगा ये गलत होगा, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव पूरी तरह से टक्कर दे रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार। इस सवाल का जवाब जल्द ही मिलने वाला है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। आज तक के मुताबिक चुनाव से पहले सामने आए लोक नीति CSDS के ओपिनियन पोल में नीतीश कुमार की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की वापसी खुद के दम पर नहीं है, अपने दम पर नीतीश कुमार बिहार में फेल होते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश की ये वापसी NDA के तौर पर हो रही है, लेकिन इससे इतर सर्वे में कई लोग ऐसे भी सामने आए जिन्होंने अब तक ये तय नहीं किया है कि वो किस ओर मतदान करने वाले हैं, और यही है फ्लोटिंग वोट। फ्लोटिंग वोट उन वोटर्स के वोट हैं जिन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो किसे वोट करेंगे, और इनकी संख्या 24% है, जो चुनावी नतीजों वाले दिन चौंकाने वाले आंकड़े हो सकते हैं। लोक नीति CSDS के ओपिनियन पोल में बिहार की जनता से कई मुद्दों पर सवाल पूछा गया, लेकिन जब सरकार चुनने की बारी आई तो अधिकतर ने नीतीश सरकार के लिए हामी भरी। हालांकि एक बड़ी संख्या ऐसी है जो अब भी अंतिम निर्णय लेने से पहले सोच रही है। सर्वे के दौरान मालूम हुआ कि करीब 10% लोग ऐसे हैं जो अब तक निर्णय नहीं ले पाए, यानी जनता अब भी सोच और परख रही है कि अगले 5 साल के लिए किसे मौका दिया जाए। पोल में जो एक और आंकड़ा सामने आया है वो ऐसे लोगों का है जो सीधे मतदान के दिन ही तय करेंगे कि आखिर किसके पाले में वोट करना है। ऐसे लोगों की संख्या करीब 14% है, यानी ये लोग पोलिंग बूथ पर जाकर ही तय कर पाएंगे कि किस ओर मतदान करना है। अब अगर दोनों आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो कुल 24% होता है, यानी करीब 1/4 वोटर अब भी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा है। अगर ओपिनियन पोल का यह अनुमान सही साबित होता है तो चुनावी नतीजों में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। बीजेपी और JDU जिस उम्मीद से दोबारा सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, और दूसरी ओर तेजस्वी यादव जिस तरह से चैलेंजर बनकर उभरे हैं, उनके लिए भी ये 24% के करीब का मतदान चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि अंतिम वक्त में ये वोटर किसी भी ओर अपना रुख कर सकते हैं। लोक नीति CSDS के सर्वे में भले ही NDA की सरकार बनती दिख रही हो, लेकिन RJD के नेता तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया है। करीब 27% लोग ऐसे हैं जिनकी मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद तेजस्वी यादव है, जबकि नीतीश को CM के तौर पर देखने वाले 31% हैं, यानी दोनों नेताओं में मात्र 4% का अंतर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।